हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिबी में। और हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन में रेबीज। इससे पहले हम आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करें ना भूलें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वेटनरी कम्युनिटी को भी इस चैनल के बारे में जानने को मिले और साथ ही साथ हम सब साथ में ग्रो करें। बेसिकली ये होता है आपका बैट्स, रैकून्स, स्कंक्स और फॉक्स और मेनली डॉग्स, ठीक है। यही जो है आपके रेबीज के वायरस को कैरी करते हैं और ये बाइट जो कि किसी को काट लेते हैं तो ये व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं। रेबीज जो है हमारे डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, मतलब ब्रेन को, ठीक है, जिसको बहुत सीरियस रिजल्ट्स बाद में देखने को मिलते हैं। इसको रोकने का तरीका कि आप वैक्सीनेशन कराएं अपने पेट्स का बराबर और वाइल्ड लाइफ से थोड़ा दूर रहें, खासकर कोई भी सिम्टम्स आने पे या फिर किसी प्रकार की समस्या होने पे आप मेडिकल को रेफर करें। इससे जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम WHO का चल रहा है जिसे कहते हैं 0x30 द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान। ये जो आपके इधर है ये बेसिकली यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज नाम से उन्होंने जो है पूरी वर्ल्ड में जीरो ह्यूमन डेथ फ्रॉम रेबीज का टारगेट रखा है कि 2030 तक हम रेबीज को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट जो रेबीज का है उसे हम बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो ये आपके जाना जरूरी है कि ऐसे WHO भी इसके लिए काम कर रही है। सिम्टम्स क्या हैं आपके रेबीज के, सिम्टम्स जाना जरूरी है। वीकनेस हो जाना, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, फीवर, हाइड्रोफोबिया, पानी से जलने लगना, हेलोसिनेशंस और इंसोमनिया, नींद नहीं आना। डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? बेसिकली एनिमल जो रेबीज होता है डायग्नोस यूजिंग डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट DFA टेस्ट विच लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेबीज वायरस एंटीजेंस इन ब्रेन टिश्यू। रैपिड एंड एक्यूरेट लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज एसेंशियल फॉर टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। विद इन अ फ्यू आवर्स द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी कैन डिटरमाइन व्हेदर नॉट एनिमल इज रैपिड एंड इन्फॉर्म द रेस्पॉन्सिबल मेडिकल पर्सनल। बेसिकली टेस्ट करके हम बता सकते हैं किसी की रेबीज वाला है कि नहीं है। लैबोरेटरी रिजल्ट्स में सेव अपडिटेशन फ्रॉम नेसेसरी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। बेसिकली जब जितनी जल्दी आपको डायग्नोसिस हो जाएगा उस जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और जितनी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा आप जल्दी क्योर हो पाएंगे। ये तो रेबीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।